आप सुन रहे हैं नरेंद्र अर्जरिया की प्रस्तुति शिवधाम सरसेड़ मृद्विका के साथ। हिंदुस्तान के नक्शे में खोजें तो शायद खोज ना पाएंगे सरसेड़ को, लेकिन इतिहास की कितनी ही घटनाओं का ये जीवित दस्तावेज है। यहाँ सुरम्य घाटियां और दूर दूर तक फैली हरितिमा जीवन का संदेश देती है। 5000 की आबादी वाले इस क्षेत्र के पास एक अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर भी है। 6वीं शताब्दी का बना भगवान शिव का विशाल भूतेश्वर मंदिर, न जाने कितने रहस्यों का राज छुपा है इस मंदिर की दीवारों में। बीते कल के वैभव का राग है और वर्तमान की उपेक्षा भी इसके गुंबद में गूंजती है। नंग राजाओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है सरसेड़ का ये अनोखा मंदिर, जो कोणार्क और खजुराहो के मंदिरों की तरह विश्वविख्यात भले ही ना हो, किंतु देखने वालों के लिए कौतूहल और जिज्ञासा का केंद्र जरूर है। प्राचीन वैभव बुंदेलखंड क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि ग्राम सरसेड़, जो अब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का हिस्सा है, अतीत में नाग राजाओं की रियासत थी, जिसके शासक शांति देव थे, जो सांस्कृतिक विरासत के धनी और शिवधर्मी होते थे। 6ठी शताब्दी में इनका शासन था, लेकिन गुप्त काल आते आते 7वीं शताब्दी में इनका शासन चला गया। सन 647 के बाद इस्लाम आया, इसके बाद 1526 में मुगल आए और 1757 में अंग्रेजों का शासन हो गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नाग राजाओं के शासन काल में जो भी मंदिर मठ या किला बनाए गए, उनमें सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल होता, चूने का उपयोग नहीं किया जाता था। सरसेड़ भूतेश्वर शिव मंदिर के जनक नाग राजा शांतिदेव माने जाते हैं, जिनके शासन को लेकर आज तक एक किंवदंती प्रचलन में है। शांतिदेव राजा के शासन काल में भयंकर अकाल पड़ा, जनता त्राही त्राही कर उठी, किंतु प्रकृति के आगे बेबस और असहाय नागराज के पास इससे बचने का कोई उपाय न था। नागराज शिव भक्त थे। नागराज शांतिदेव ने उनकी उपासना की तो उन्हें स्वप्न में शिव के दर्शन हुए और ये आकाशवाणी हुई कि मैं पहाड़ी पर प्रकट हो रहा हूँ। पहाड़ी के आसपास जहाँ भी खोदोगे पानी पर्याप्त मात्रा में निकलेगा। बात सच हुई और शिव मंदिर के निर्माण के साथ ही नागराज की समस्या का अंत हुआ। इस बात पर सहज विश्वास संभवतः न हो, किंतु ये आज भी सत्य है। इस पहाड़ी से कुछ दूर जहां बहुत गहराई में पानी नहीं मिलता है, पर शिव मंदिर के आसपास कुंड भीषण गर्मी में भी पानी से लबालब भरे रहते हैं। शिव मंदिर के एक ओर प्राचीन गणेश मंदिर है, इसके पास से ही एक गुफा अंदर को जाती है जो अनेक वर्षों से बंद है। इतिहासकार डॉक्टर केपी त्रिपाठी कहते हैं नाग शासक शिव उपासक हुआ करते थे। शिव मंदिर से सीधे गुफा के माध्यम से वो किला जाते थे। अब भी ये मान्यता है कि गुफा में बहुमूल्य रत्न धातुएं और आभूषणों का खजाना है। प्रकृति की गोद में प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये शिव मंदिर परिसर अपने आप में दूर से दिखने पर अनोखे आकार का दिखता है। यहाँ प्रकृति ने कलकल की आवाजें करती पहाड़ से बहते झरने, चहचहाती चिड़ियाँ तथा लहलहाती हरियाली यहाँ की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। मंदिर के क्षेत्र से बाहर ऊपर को निकलती जल से उफान मारते छोटे छोटे कुंड बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। थोड़ा और ऊपर चलने पर पहाड़ों के चारों तरफ वादियों से घिरा एक छोटा सा जलाशय है, जिसमें तैरती बतखें, लहलहाते कमल के फूल रमणीय स्थल को और भी रमणीय बना देते हैं। वहीं आज प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्राचीन अवशेष श्रद्धालुओं के नहाने के कुंड कई जगह टूटकर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। हजारों साल पुराना जलाशय भी मरम्मत न होने के कारण कई जगह से रिसाव हो रहा है। इस मंदिर की प्राकृतिक विशेषता ये है कि यहाँ मंदिर में स्थित शिवलिंग के ऊपर विशाल चट्टान प्रत्येक 5 वर्ष में 1 इंच जितनी ऊपर उठती है। पहले इस शिवलिंग की परिक्रमा लोग लेट कर किया करते थे, लेकिन आज बैठकर भी परिक्रमा की जा सकती है।
श्रद्धालुओं का मानना है ये सब भोले शंकर का करिश्मा है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पूर्व में घनघोर जंगल था, लेकिन नागराज के राज्य की समाप्ति होने व अलीपुरा रियासत में विलय होने पर सरसेड़ को तहसील बना दिया गया। भारत स्वतंत्र हुआ, रियासत का शासन में विलय हुआ। उस समय पर सारा जंगल वीरान होने की कगार पर पहुंच गया था। उक्त पहाड़ आज छतरपुर जिले के वन विभाग की बीट क्रमांक 56 में स्थापित है। इनकी सुरक्षा हेतु वन रक्षक की नियुक्ति भी की गई है। उपेक्षा का दंश। गांव सरसेड़ का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज से हजारों साल पहले नागराजाओं की धरोहर देखभाल और लापरवाही के कारण पग पग धूल में मिलती जा रही है। भक्ति आंदोलन के तहत हिंदू धर्म को बढ़ाने तत्कालीन शासकों द्वारा इस ग्राम में 5 विशाल हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया, लेकिन आज 5 मंदिर प्रशासन की उदासीन नीति के कारण मूर्ति विहीन होकर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। हटवारा मोहल्ला के मंदिर से सन 1984 में अष्ट धातु की राम जानकी राधा कृष्ण की मूर्तियां, जिनका वजन लगभग 150 किलोग्राम था, चोरी चली गई थी। इसी तरह 23 अप्रैल 1995 में नरसिंह भगवान के मंदिर से 3 मूर्तियां चोरी हो गईं, जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ। सन 1993 में शिव मंदिर पर लगा विशाल अष्ट धातु का घंटा भी चोरी चला गया था, जिसका वजन 50 किलोग्राम था। इसी तरह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होने वाले शिव पार्वती विवाह में सोने चांदी के जेवर चढ़ाए जाते थे, जो सन 1993 से गायब हैं। नागराज शांतिदेव के समय से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 8 दिवसीय विशाल मेला लगाने का आयोजन शुरू किया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार ये मेला चला आ रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से मेले की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते विशाल मेले का रूप प्रतिवर्ष लघु होता जा रहा है। महाशिवरात्रि एवं दीपावली के दिन लगने वाले प्राचीन मेले पर शिव पार्वती विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। स्वनिज संपदा भरपूर। शिवधाम सरसेड़ में खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। यहाँ की प्रादेशिक विख्यात चमकीली ग्रेनाइट की विशाल खदानें हैं। क्रेशर उद्योग भी संचालित है। वहीं पहाड़ों पर भरपूर अनमोल औषधियों का खजाना है, जिसमें शेत मुसली, सितावर, बाय बिटिंग के साथ साथ गोंद भारी मात्रा में पैदा होता है। लेकिन इन सब औषधियों का आज बिचौलियों द्वारा दोहन कर राज्य शासन को चूना लगाया जा रहा है। जरूरत पहल की। पहले राज्य फिर तहसील ग्राम सरसेड़ में स्थित नागराजाओं की धरोहर विशालतम 5 प्राचीन मंदिर प्रथम महल को देखने के लिए प्रति माह सैकड़ों तीर्थ यात्रियों श्रद्धालुओं इस रमणीय स्थल को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस दार्शनिक स्थल को देखते हुए तत्कालीन विधायक स्वर्गीय यादवेंद्र सिंह ने रोड की स्वीकृति दिलाई एवं गांव का विद्युतीकरण कराया। वर्तमान विधायक मानवेंद्र सिंह समय समय पर मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य कराते रहते हैं, लेकिन विशालतम भूतेश्वर मंदिर को जरूरत है आज रखरखाव एवं मरम्मत की। भरपूर शिव मुराद। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं जो पवित्र मन से इस मंदिर पर पहुंचकर शिवलिंग पर मत्था टेक कर नीचे भरे जल को ग्रहण करते हैं, तो उनके द्वारा मांगी गई दिल की मुराद पूरी होती है। मंदिर पर लगे सैकड़ों जीर्णोद्वार बोर्ड व मंदिर परिसर पर लटकते झूमर लोगों की मनोकामना पूर्ण की गवाही दे रहे हैं। राज्य फिर तहसील अंततः गाँव। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 6 शताब्दी में निर्मित मंदिर सरसेड़ नागराजाओं की रियासत थी, जिसकी जीती जागती मिसाल खंडहर खड़ा विशाल महल है। ग्रामवासियों का कहना है अभी भी महल से होकर शिव मंदिर तक जाने के लिए गुफा रास्ता है, जिसमें नागराज मंदिर जाया करते थे। नागराजाओं का शासन जाते और अलीपुरा रियासत में विलय होने के बाद ग्राम सरसेड़ को तहसील बना दिया गया। तहसील ब्रिटिश शासन काल में 1946 तक रही।
1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तथा केंद्र शासन का गठन हुआ, तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का विलय कर लिया। अलीपुरा रियासत के विलय होते ही ग्राम सरसेड़ से तहसील का दर्जा भी छीन लिया गया। इस तरह राज्य से तहसील और अंत में गांव का दर्जा देकर लगातार ग्राम सरसेड़ की उपेक्षा होती गई। पुरातत्व की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद पुरातत्व विभाग द्वारा लगातार इस ऐतिहासिक स्थल की उपेक्षा की गई, जिसके कारण ये मंदिर इस स्थिति में पहुंचा है। अगर प्रशासन द्वारा इस हजारों साल पुराने मंदिर पुरातत्व को सौंप दिए जाता तो ये मंदिर भी कोणार्क के मंदिरों की तरह प्रसिद्ध होता। नागराजाओं की धरोहर को बचाया जा सकता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा और बुंदेलखंड की धरोहर में एक नया नाम जुड़ेगा। राज्य से गांव का दर्जा मिले इस ग्राम सरसेड़ में पुनः रौनक आ सकती है और हजारों बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। मंदिर से जुड़े पूर्व व्यक्ति। स्वर्गीय यादवेंद्र सिंह, अलीपुरा रियासत के राजा यादवेंद्र सिंह अपने समय में सरसेड़ प्रति सप्ताह आकर मंदिर पर माथा टेकते थे। विधायक रहे लल्लू राजा ने इस मंदिर के पहुंचने हेतु रोड का निर्माण करवाया, साथ साथ ग्राम सहित मंदिर तक विद्युतीकरण करवाया। इस मंदिर के प्रति आपकी अटूट आस्था थी। स्वर्गीय नंदलाल मदान। भूतेश्वर के परम भक्त थे नंदलाल मदान जी। क्षेत्रीय लोग इन्हें बाबूजी कहकर पुकारते थे। समय समय पर अपने मंदिर को जीर्णोद्वार में लाखों रुपया खर्च किए। लोग बताते हैं शिवजी के आशीर्वाद से आपने दिन रात व्यापार में वृद्धि की। आज भी आपका परिवार इस मंदिर से जुड़ा है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट खजुराहो और झांसी मानिकपुर रेलवे स्टेशन के बीच हरपालपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहां से इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है।